जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 1947 से 2023 तक भारत में रहे भारत के सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले दोस्तों होगा प्रधानमंत्री का नाम, उसके बाद में उनका कार्यकाल होगा फ्रॉम टू, और फिर उनकी होगी फोटो। उसके बाद में दोस्तों उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर मैंने लिए हैं जो कि आपके लिए मैं बताऊंगा। तो भारत के दोस्तों पहले प्रधानमंत्री थे श्री जवाहरलाल नेहरू। इनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक रहा। ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति थे। इनका कार्यकाल 16 साल 286 दिन का था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दोस्तों गुलजारी लाल नंदा। इनका कार्यकाल 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक रहा। ये भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे, सबसे कम समय तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे। इनका कार्यकाल केवल 13 दिन का था। ये भारत के एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर या फिर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर रहे थे। नेक्स्ट है दोस्तों भारत के दूसरे प्रधानमंत्री। तो लाल बहादुर शास्त्री जो थे दोस्तों वो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। उनका कार्यकाल 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक रहा। 1965 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समय जय जवान जय किसान का नारा भी इन्होंने दिया था। इनका कार्यकाल 1 साल 216 दिन का रहा। नेक्स्ट है दोस्तों अगेन गुलजारी लाल नंदा, ये फिर से भारत के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बने सेकेंड टाइम। ठीक है, इस बार इनका कार्यकाल 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक रहा। पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री रहे। ठीक है, फिर से ये दोस्तों ओनली 13 दिन ही भारत के प्रधानमंत्री रहे। थर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो भारत की तीसरी प्राइम मिनिस्टर और भारत की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर जो थी वो उनका नाम है दोस्तों इंदिरा गांधी। ठीक है, ये भारत की तीसरी प्राइम मिनिस्टर और पहली महिला प्रधानमंत्री थी। इनका कार्यकाल 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक रहा। यह भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। इनका कार्यकाल 11 साल 59 दिन का रहा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों फोर्थ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो फोर्थ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं दोस्तों मोरारजी देसाई। इनका कार्यकाल 4 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक रहा। प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और इनका कार्यकाल 2 साल 126 दिन रहा। फिफ्थ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो दोस्तों चौधरी चरण सिंह जो थे वो भारत के पांचवें प्रधानमंत्री थे। उनका कार्यकाल 28 जुलाई 1979 यानी कि 1979 से 14 जनवरी 1980 तक रहा। अकेले ऐसे प्रधानमंत्री थे ये जिन्होंने संसद का सामना नहीं किया। तो दोस्तों चौधरी चरण सिंह भारत के पांचवें प्राइम मिनिस्टर थे जो कभी भी संसद नहीं गए। ठीक है, इनका कार्यकाल केवल 170 दिन का रहा। नेक्स्ट है दोस्तों फिर से अगेन इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी। इस बार इनका कार्यकाल 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक रहा। आप सभी को पता है दोस्तों 31 अक्टूबर 1984 के लिए इनको इनके ही एक बॉडीगार्ड जो कि सिक्योरिटी गार्ड थे उन्होंने इनके लिए गोली से मार दिया था। ठीक है, प्रधानमंत्री पद दूसरी बार संभालने वाली पहली महिला, ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी और प्रधानमंत्री पद दूसरी बार संभालने वाली भी भारत की पहली महिला हैं। इस बार इनका कार्यकाल 4 साल 291 दिन का रहा। नेक्स्ट है दोस्तों सिक्स्थ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो भारत के छठे प्राइम मिनिस्टर थे दोस्तों राजीव गांधी। ठीक है, 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक इनका कार्यकाल रहा। ये भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे और इनका कार्यकाल 5 साल 32 दिन का रहा। नेक्स्ट दोस्तों सेवेंथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो भारत के सातवें प्रधानमंत्री थे दोस्तों विश्वनाथ प्रताप सिंह। इनका कार्यकाल 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक रहा।
पहले पीएम जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पास होने से पद छोड़ा था। ये भारत के पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जिनके खिलाफ दोस्तों जो है वो अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया था, जिसके कारण इनको जो है वो अपना पद छोड़ना पड़ा था। इनका कार्यकाल 343 दिन का रहा। आठवें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भारत के कौन थे? चंद्रशेखर, ठीक है। इनका कार्यकाल 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक रहा। इनका जो कार्यकाल है दोस्तों वो ओनली 223 दिन का रहा। नाइन्थ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है, ये भारत के 9वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक रहा। ये दक्षिण भारत से पहले प्रधानमंत्री थे और इनका जो कार्यकाल था वो 4 साल 330 दिन तक रहा। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल सिबा ऑनलाइन क्लासेस से इस वीडियो की पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। दसवें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जो थे दोस्तों वो भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक रहा, ठीक है। केवल एक वोट से दोस्तों इनकी सरकार गिर गई थी, जिसके कारण ये केवल 16 दिन तक अपने जो है वो पद पर रह पाए थे। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों 11वें प्रधानमंत्री, ठीक है। तो एचडी देवगौड़ा जो थे वो भारत के 11वें प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक रहा और इन्होंने 324 दिन तक जो है वो प्रधानमंत्री पद पर ये बने रहे। अभी आते हैं दोस्तों 12वें प्रधानमंत्री 12th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आईके गुजराल। इनका पूरा नाम था दोस्तों इंदर कुमार गुजराल। 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे। इनका कार्यकाल 332 दिन का रहा। नेक्स्ट आता है दोस्तों फिर से अटल बिहारी वाजपेयी। इस बार इनका कार्यकाल दोस्तों काफी लंबा चला और 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे। ये पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया था, ठीक है। ये पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपना कार्यकाल जो है दोस्तों वो पूरा किया था। इनका इस बार कार्यकाल 6 साल 64 दिन का रहा। नेक्स्ट है दोस्तों 13th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो भारत के 13वें प्रधानमंत्री हैं दोस्तों मनमोहन सिंह, जिनका कार्यकाल 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक रहा। ये भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री थे और इनका कार्यकाल 10 साल 2 दिन तक रहा। अब है दोस्तों 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो भारत के 14वें प्रधानमंत्री बने दोस्तों श्री नरेंद्र मोदी। इनका कार्यकाल 26 मई 2014 से अभी तक ये भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन हैं और ये अभी भी जो है वो भारत के प्रधानमंत्री पद पर बने हुए हैं, ठीक है। चलिए तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।